हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? विंटर्स आ चुकी हैं, मेरी स्वेटशर्ट्स निकल गई हैं, इनफैक्ट मेरी तो सॉक्स भी निकल गई क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और पैरों पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मेरी सॉक्स जो है वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। आई नो अभी सॉक्स का सीज़न नहीं है, नॉर्मली लोग नहीं पहन रहे हैं, बट मेरी सॉक्स भी निकल चुकी है, ब्लैंकेट्स निकल चुके हैं और मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा भी लगती है। तो इसलिए ये एक विंटर्स जो है वो मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि आई डोंट कनेक्ट विथ विंटर्स। मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ठंड ज़्यादा लगती है, तो आई डोंट इन्जॉय विंटर्स मच। बट विंटर्स में मुझे एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है कि वेडिंग सीज़न, पार्टीज़ का सीज़न। तो आज भी हमें जाना है एक पार्टी में, एक वेडिंग में। सो इसी बारे में ये व्लॉग है सारा। आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर एंड हाउ इज़ द पार्टी। तो बने रहिए इस व्लॉग में। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ साथ में व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। एंड बहुत लाइट सा मेकअप होगा, मैं ज़्यादा वैसे भी नहीं करती हूँ, तो बहुत लाइट सा मेकअप और बहुत हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आई हैव दीज टू ऑप्शंस ऑफ फुटवेयर्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये है मेरे पास दो ऑप्शंस और आई एम कंफ्यूज कि मैं कौन सा पहनूँ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये मैंने एक ही बार पहना है अभी तक। देखो कितना अच्छा है मेरा ये फुटवेयर, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, इसको पहन के बहुत देर तक खड़ा रहना इज अ प्रॉब्लम, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पहना हुआ। अपना बड़ा बेसिक सा, बड़ा कंफर्टेबल सा, तो फिर मैं क्या करूँ? आई एम थिंकिंग कि चलो कंफर्टेबल साइड ही जाते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज माय लुक। आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्राइट येलो ड्रेस एंड आई एम वेयरिंग दिस कुंदन ग्रीन कलर सेट, और दोनों ही बहुत ही ब्राइट कलर का मैंने कॉम्बिनेशन लिया है और बहुत ही लाइट सा मेकअप है, यू कैन सी। कंप्लीट होने के बाद मैं ये फेस पे ज़रूर लगाती हूँ मेकअप प्रेप एंड प्राइम। इसको ज़रूर यूज़ करो आप फेस पे पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद, ये आपके मेकअप को स्टे करने में हेल्प करेगा एंड इट गिव्स यू वेरी नाइस ग्लो ऑन द फेस। जस्ट लीव द ड्रॉपलेट्स ऑन द फेस एंड लेट इट एब्जॉर्ब। कैन यू सी द ग्लो ऑन द फेस? गाइस, सो वी हैव रीच्ड द वेन्यू और आज दिल्ली में इतनी ज़्यादा शादियाँ और इतना ज़्यादा जाम था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ है। दिस इज द प्लेस और यहाँ पे आप देख लो आगे तक सारे बैंकेट्स हैं और आज सब भरे हुए हैं, आज इतनी शादियाँ हैं यहाँ। सो गाइस, वी हैव एंटर्ड एंड दिस इज अवर कपूर साहब, जिनको आप कई बार देख चुके हैं मेरे व्लॉग्स में। हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? अच्छा, लेट मी शो हिज OOTD। ओहो क्या बात है, सुपर स्टाइलिश एंड आई लव योर शूज। थैंक यू सो मच। एंड से हाय। हाय। और ये हमारी क्यूट नित्या है ना? ओके, सो और नमन को कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ही इज फूडी। मेरी लाइफ इतना मस्त है, चिकन है, क्या चिकन है, I'm good। तुम किसका इंतजार कर रहे हो कि मैं फोटो खींचू? हाँ, बंद करो व्लॉग। ओके, सो गाइस आई एम ऑन ड्यूटी, अब मेरे को बुलाया जा रहा है फोटोज खींचने के लिए, सो आई विल बी राइट बैक। आज मैं मिल के गया, कहता मिलना दोबारा, कहता मिलना दोबारा। पूरा खाने की तो
लेट एट नाइट, ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 बज गया था जब हम घर आए, और सोते सोते हमें 2 बज गए, और वी वर सुपर टायर्ड. बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. आई एम एंडिंग द व्लॉग राइट नाउ, और आगे के और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को. मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख रही हूँ. मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू ब्लॉग्स. बाय.